स्थिति है अजय जी? यहाँ की स्थिति सही है, हमारे तरफ इधर जिधर मैं हूँ ना उधर तो सही है। अच्छा, तो आपको कहाँ रोका गया है, कहाँ हैं आप, किस जगह? मैं इस समय सेवा में हूँ, किसी का तेलुगु से हम जानते हैं कि 80-90 किलोमीटर दूरी पर हूँ। अच्छा, क्या बंकर उंकर कहाँ पे रखा गया है, नीचे कहाँ पे है आपके? सीमेंट में बंकर है। अच्छा, और सुविधा उविधा क्या दी गई है, खाना पीना वगैरह कैसा हो रहा है? खाना वगैरह सब अपना बनाना पड़ता है, बाकी सब ठीक है। आप लोगों के साथ कितने लोग हैं? फिलहाल हम लोग 6 बंदे थे यहाँ पे, फिलहाल दूसरी जगह चले गए हैं, कहने का मतलब दूसरा जगह काम चल रहा था ना, वहाँ पे चले गए लोग, तो हम लोग इसमें 3 बचे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं आप लोग, काम चल रहा है अभी? हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ काम करना होता है वहाँ लेके जाते हैं सब सुरक्षित? क्या चीज लेके जाते हैं? कैसे आप लोगों को लेके जाते हैं जहाँ काम करना होगा? हाँ हाँ हाँ, लेके जाते हैं सब? हाँ हाँ। अच्छा, और क्या कमरे में क्या कुछ है सुविधा, क्या कुछ दिए हैं आप ही देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ, दिखाइए। ठीक है, ओके, दिखाता हूँ। देखिए, ये अलमारी है, ठीक है, प्लास्टिक वाला अलमारी दिया है, बेड दिया है, ठीक, कुर्सी दिया है, ये साइकिल बैटरी वाला साइकिल दिया है। अच्छा, इसी से जाते हैं क्या आप लोग? हाँ, हम लोग इसी पर जाते हैं काम करने, क्या दूर में 6-7 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, उसके बाद देखिए, ये फ्रिज दिया हुआ है, फिर एक फ्रिज यहाँ पे दिया है, किचन में लगाया हम लोग, फिर एक किचन है, एक कुर्सी दिया है, और इधर दिखा रहा हूँ आपको, ये वॉशिंग मशीन दिया है, ठीक। उसके बाद देखिए, और रूम दिखा रहा हूँ, टेबल सब दिया है, कुर्सी सब दिया है, ये देखिए किचन है, टेबल में नहाए धोने वाला है ये सब, ठीक। अच्छा, हाँ, ये लैटरिन है, ये भी रूम है, ये देखिए इनका रूम है। फिलहाल हम लोग इस समय 3 बंदे रह रहे हैं, एक रूम ये हो गया और एक रूम ये हो गया, ठीक। हाँ, रूम है, एक हॉल है, एक किचन है। अच्छा, आपके साथ उत्तर प्रदेश का और कोई भी है, इंडिया का उत्तर प्रदेश? हाँ 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 हाँ, जौनपुर का रहने वाला है, एक है यहीं का, मऊ का रहने वाला है। अच्छा अच्छा, उनको सामने बुलाइए, वही जब उनको भी बुलाइए, बातचीत करवाइए। हाँ, ये देखिए, बात करिए, दिखा रहा हूँ बैठ करके। नमस्ते सर। क्या नाम है भाई साहब आपका? अर्पण कुमार। अच्छा, कैसे हैं वहाँ पे, ठीक है सर? हाँ सर, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है वहाँ, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं? कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं है, सब अपने से करना है, खाने पीने की व्यवस्था तो उसमें दिक्कत क्या है, जितना लाओगे उतना खाओगे। अच्छा, यहाँ पे यहाँ सब देखा जा रहा है ना कि इजराइल और ईरान में जो जंग छिड़ी हुई है, हमला हो रहा है जो लगातार, जी सर, बाहर क्या स्थिति है, बाहर क्या देखने को मिल रहा है सर? यहाँ पे इस चीज को कहिए एकदम नॉर्मल मान रहे हैं, जैसे हो रहा है वैसे, जैसे बंद हो रहा है वैसे लोग चलना चालू कर दे रहे हैं,
हम लोग नहीं देखे हैं तो भाई थोड़ा डरे से हमें हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, डर जाते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, तो बाहर बाहर क्या बम गोले की आवाज आती है क्या, जो बम वगैरह ये सब गिरते हैं? नहीं सर, हम लोग घर जब से आए हैं हम लोग यहाँ से कभी नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, लेकिन उसके भी किसी का जब तरीके से वो जो थोड़ा दिखा रहा था यहाँ पे। एक दिन सर हुआ है, हम लोगों को 4 महीने हो गया आए हुए। कब तक आना है वापिस आप लोगों को? हम लोगों का सर वीजा लगा है, 6 महीने का स्टाम्प लगा है, 4 महीना हो गया। घर परिवार वालों से बात होती है? जी, घर परिवार वालों से डेली बात होती है।